दुनिया के 5 सबसे ज्यादा अमीर धर्मों में से सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म नंबर 3 पे है। पहले नंबर पे ईसाई और दूसरे नंबर पे इस्लाम है। आज के समय में जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके पास दुनिया का 55% पैसा है। इस्लाम को मानने वालों के पास दुनिया का सिर्फ 5.8% ही पैसा है, जबकि हिंदू धर्म को मानने वालों के पास दुनिया का 3.3% पैसा है। यहाँ एक बहुत ही आश्चर्य और सोचने वाली बात ये है कि दुनिया में कुल 56 इस्लामिक देश होने के बावजूद इनके पास दुनिया का सिर्फ 5.8% ही पैसा है। जबकि वहीं अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो दुनिया में आपको सिर्फ भारत और नेपाल ही ऐसे दो देश मिलेंगे जहां पे हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या बाकी के धर्मों को मानने वालों से ज्यादा है और इनके पास दुनिया का कुल 3.3% पैसा है। अगर आप इन दोनों ही धर्मों की तुलना करेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। एक तरफ जहां मुस्लिमों के 56 देश होने के बावजूद इनके पास दुनिया का सिर्फ 5.8% ही पैसा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के 2-3 देश होने के बावजूद इनके पास दुनिया का 3.3% पैसा है। आखिर इतना अंतर क्यों है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। भारत पे न जाने कितने बार आक्रमण हुए, यहाँ के धन संपदा को लूटा गया, लेकिन फिर भी आज के समय में पूरे विश्व में अगर कहीं सबसे ज्यादा अमीर पूजा स्थल है तो वो भारत में ही है। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 पे है सोमनाथ मंदिर गुजरात। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। अगर आप इस मंदिर के अतीत में जाएंगे तो आपको हैरान कर देने वाले तथ्य जानने को मिलेंगे। सोमनाथ मंदिर पे कुल 17 बार मुगलों द्वारा हमला किया गया। 1665 में औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को पहली बार लूटने और तोड़ देने के बाद भी जब औरंगजेब ने देखा कि दोबारा हिंदू उस जगह पे पूजा करने जा रहे हैं, तो औरंगजेब ने दूसरी बार अपनी सेना को भेजा वहाँ के हिंदुओं को लूटने और उनका जेनोसाइड करने के लिए। आज के समय में आप जिस सोमनाथ मंदिर को देखते हैं वो 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर पे इतने हमले और इसे कई बार लूटने के बावजूद आज के समय में इस मंदिर को पूरे देश से 44 करोड़ रुपए का सालाना डोनेशन मिलता है। यहाँ डोनेशन से मतलब है चढ़ावा, जो भक्तों द्वारा एक साल में दान किया जाता है इस मंदिर में। नंबर 9 पे है अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली में स्थित यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि ये स्वामी नारायण कौन से भगवान हैं, तो हम आपको बता दें स्वामी नारायण एक योगी थे जिनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को हुआ था। इन्हें सहजानंद स्वामी, हरि कृष्ण महाराज और नीलकंठ वर्णी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये श्री विष्णु के अवतार थे। इनकी मृत्यु गुजरात के गरारा में 1 जून 1830 को हो गई थी। दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और इसके लिए इस मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस मंदिर में हर रोज 14 से 15 हजार लोग आते हैं। 100 एकड़ में फैले इस मंदिर का जो मुख्य मूर्ति है वो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। साथ ही इस मंदिर में 20,000 ऋषि मुनियों की भी मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर को साल में 20 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। नंबर 8 पे है मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु में स्थित यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है, जिन्हें इस मंदिर में मीनाक्षी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 35,000 साल से भी पुराना माना जाता है। सन 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक कफूर के इसे लूटने और तोड़ देने के बाद 16वीं शताब्दी में इसे दोबारा मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक द्वारा बनवाया गया। अब जब बात अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर की उठी गई है, तो आपको इन दोनों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बतलाते हैं। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही खासम खास आदमी था। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, मतलब बेडरूम वाली क्लोजनेस थी। समझ तो गए ही हो गए आप लोग। खैर बढ़ते हैं आगे। मदुरई के इस मंदिर में हर रोज 15 से 20 हजार लोग जाते हैं और शुक्रवार को ये संख्या 20,000 से बढ़कर 25,000 तक हो जाती है। मीनाक्षी मंदिर को पूरे साल में तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। नंबर 7 पे है गुरुवायूर मंदिर।
केरल स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। केरल के बचे हुए हिंदुओं के लिए यह मुख्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। इस मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है वो श्री कृष्ण की है और लोग इन्हें ही गुरु वेयूर कहते हैं। भारत के बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी मुगलों द्वारा लूटा गया और इसे तोड़ा गया। इस मंदिर पे पहला अटैक डच आर्मी ने किया था सन 1716 में। केरल के इस मंदिर को साल में 400 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं, जिसमें कैश और सोना चांदी भी शामिल है। नंबर 6 पे है वैष्णो देवी मंदिर। आप सब भली बात इनसे परिचित होंगे ही। लोग इन्हें वैष्णवी माता रानी, अम्बे रानी, त्रिकुटा, ज्योता वाली और पहाड़ा वाली के नाम से भी जानते हैं। तो श्री वैष्णो देवी के मंदिर में हर साल करीब 80 लाख लोग जाते हैं, जिससे कि इस मंदिर को हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए का दान मिलता है। इनमें सोने चांदी को शामिल नहीं किया गया है। नंबर 5 पे है सिद्ध विनायक मंदिर। नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि यह मंदिर श्री गणेश जी को समर्पित है। महाराष्ट्र स्थित इस मंदिर का निर्माण सन 1801 में विट्ठू और देवूभाई पाटिल ने करवाया था। गणेश जी की जिन मूर्तियों की सूंड दाएं तरफ मुड़ी हुई होती है उन्हें सिद्ध पीठ कहते हैं, और महाराष्ट्र के इस मंदिर में रखे गए गणेश जी की प्रतिमा की सूंड दाएं ओर ही मुड़ी हुई है, और इसलिए इस मंदिर को सिद्ध विनायक मंदिर कहते हैं। और क्या आप जानते हैं, सिद्ध विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। मुंबई स्थित इस मंदिर को हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। नंबर 4 पे है शिरडी के साईं बाबा का मंदिर। यह मंदिर भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और यह दुनिया के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। साईं बाबा का असली नाम क्या था यह अभी तक एक रहस्य ही है, लेकिन वो एक मुस्लिम थे और ये बात साबित होती है उनके द्वारा कहे गए वचनों से और साथ ही उनके आसपास रहने वाले लोगों से। साईं बाबा हमेशा कहते रहते थे कि अल्लाह मालिक और सबका मालिक एक है। क्या आपने अल्लाह शब्द मुस्लिम धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा उपयोग करते हुए देखा या फिर सुना है? साईं बाबा के साथ हमेशा एक आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल था। वह साईं बाबा के लिए कुरान पढ़ने का काम करता था। फिलहाल अभी जो शिरडी में साईं बाबा की मंदिर है उसमें साईं बाबा की हिंदू रीति रिवाजों से पूजा की जाती है और इस मंदिर को हर साल करीब 360 करोड़ रुपए का दान मिलता है। नंबर 3 पे है श्री जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा के पुरी में स्थित यह मंदिर मुख्यतः श्री जगन्नाथ अर्थात श्री विष्णु को समर्पित है। अभी तक मैंने आपको जितने भी मंदिरों के बारे में बताया उन सब में से सबसे ज्यादा रहस्यमय है यह मंदिर। इस मंदिर में हर दिन करीब 30,000 लोग आते हैं और फेस्टिव सीजन में यह संख्या 30,000 से बढ़कर 70,000 से 80,000 तक पहुँच जाती है। इन लोगों से इस मंदिर को हर साल करीब 200 करोड़ रुपए का दान मिलता है। नंबर 2 पे है तिरुमला वेंकटेश्वरा मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस जगह को भी धरती का वैकुंठ कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला, तिरुपति और तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1700 साल पहले किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में चढ़ाने के लिए जो फूल, पत्ते, दूध और घी लाए जाते हैं वो एक ऐसे गांव से लाए जाते हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। भगवान वेंकटेश्वरा के मंदिर में हर दिन 50,000 से 1,00,000 तक लोग आते हैं और इससे इस मंदिर को सालाना 650 करोड़ रुपए का दान मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर के पास अभी के समय में 37,000 करोड़ रुपए का अलग से गोल्ड रिजर्व भी है। एंड एट लास्ट नंबर 1 पे है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर श्री विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इसी मंदिर में वो 6 तहखाने हैं जिसमें से 5 को खोल लिया गया है और एक अभी भी बंद है। इन खोले गए 5 तहखानों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के खजाने मिले। इस मंदिर में रोजाना 65,000 से 70,000 तक लोग आते हैं और इनसे इस मंदिर को हर साल करीब 60 मिलियन डॉलर का दान मिलता है। इस मंदिर के पास अभी के समय में 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति है। दोस्तों, कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मंदिरों के पास जितने भी धन संपत्ति है उसे देश को दान कर देनी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या मंदिरों के पास जितने भी संपत्ति है उन्हें देश के लिए दान कर देनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं। साथ में ये भी बतलाएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली अपडेट्स आपको आसानी से और जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।